राजकुमारी जोधा से लेकर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत तक बॉलीवुड की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें हमने फिल्मों में राजकुमारी और रानी का किरदार निभाते देखा है। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोगों को पता होगी कि यहाँ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो रियल लाइफ में भी राजकुमारियां हैं। आज हम इस रिपोर्ट में उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अदिति राव हैदरी, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अदिति राव हैदरी का। रॉकस्टार, मर्डर थ्री, फितूर और पद्मावत जैसी फिल्मों में अपनी अदाओं से सबको घायल करने वाली अभिनेत्री अदिति राव हैदरी इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। अदिति राव हैदरी का कनेक्शन दो राजघरानों से है। पहले तो ये कि अदिति असम के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद साले अकबर हैदरी की पोती है। वहीं उनके नाना जे रामेश्वरम वनापर्थी के राजा थे। वहीं अदिति के परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद साले अकबर हैदरी अदिति के चाचा हैं, जो कि असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अदिति के पिता का नाम एहसान हैदरी और मां का विद्या राव है, जो उस समय की ठुमरी और दादरा राग की फेमस गायकी थी। जहां अदिति के पिता मुस्लिम थे, वहीं उनकी मां हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदिति के माता पिता की लव मैरिज हुई थी, लेकिन जब अदिति महज 2 साल की थी तभी उनकी माता पिता दोनों अलग हो गए थे। तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। किरण राव, आमिर खान की पत्नी जो कि अदिति राव हैदरी की कजन भी हैं, वो भी तेलंगाना के शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा जे रामेश्वर राव तत्कालीन तेलंगाना राज्य के वनापर्थी रियासत के राजा थे। सागरिका घाटगे, फिल्म चक दे इंडिया से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस और क्रिकेटर जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे का नाती भी शाही परिवार से है। उनका कोल्हापुर के शाहू महाराज से रिश्ता है। उनके पिता कागल रॉयल फैमिली से हैं। वहीं उनकी दादी सीता राजे घाटगे इंदौर के तुकुराजीव होलकर 3 की बेटी थी। रिया सेन और रायमा सेन, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन और रायमा सेन दोनों बहनें हैं और दोनों शाही परिवार की राजकुमारियां हैं। उनके पिता भारत देव वर्मा त्रिपुरा राजघराने से हैं और उनकी मां मुनमुन सेन बड़ौदा रियासत के राजा सयाजी राव गायकवाड़ की तीसरी बेटी हैं। इतना ही नहीं, रिया और रायमा की दादी इला देवी भी कुछ बिहार की राजकुमारी थी। सारा अली खान, सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान भी शाही खानदान से ताल्लुक रखती है। उनके दादा मंसूर अली खान पटौदी के नवाब थे। सोहा अली खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान भी नवाब खानदान से ताल्लुक रखती है। उनके पिता मंसूर अली खान 1952 से लेकर 1971 तक पटौदी के नवाब रहे हैं। सोहा के दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी खानदान के 8वें नवाब थे और उनकी दादी साजिदा सुल्तान भोपाल की बेगम थी। भाग्यश्री, फिल्म मैंने प्यार किया से फिल्मों में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने आज भले ही बॉलीवुड से दूरी बना ली हो, लेकिन आपको बता दें भाग्यश्री भी एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। भाग्यश्री के पिता का नाम है विजय सिंह राव माधव राव और वो महाराष्ट्र के सांगली के राजा हैं। सोनल चौहान, सोनल चौहान के पास ना केवल राजपूतों का सरनेम है बल्कि उनकी रॉयल्टी भी है। वो उत्तर प्रदेश के राजपूतों के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मोहिना कुमारी, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुकी मोहिना कुमारी रीवा के शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। मोहिना रीवा के महाराजा मार्तंडव सिंह की पोती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।